हम अली बिलाल जिले शाह साहब के घर के बाहर इस पर बैठे हैं और हमारे साथ उनके मामू बैठे हैं। हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि हम इनसे ताज़ियत कर सकें सर या इनको हम हौसला दे सकें। अल्लाह पाक आपको सब्र दे सर। मगर ये ना हुआ है, ये फासियत है और फासिस्ट हुकूमत ने किया है, ये कत्ल है, ये ना हक है। ये यजीदियत के पैरोकार जो हैं, जो जितने भी ये यजीदियत के पैरोकार हैं, ये सब इनको इंशाल्लाह अल्लाह अपने कफे के करतार तक पहुँचाएगा और इनको जो ये जुल्म किया है इसका बदला मेरा रब लेगा। जुल्म कत्ल ना हक किया इन्होंने तो इंशाल्लाह मेरा रब इसका इंसाफ करेगा और इनको इनके फेरे करतार तक पहुँचाया जाएगा। सर वैसे तो ये पूछना इस टाइम नहीं बनता क्योंकि जाहिर है आप इस टाइम बहुत बड़े सदमे से गुजर रहे हैं और ये सदमा आपके लिए नहीं, ये उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए सदमा है कि जो इस मुल्क की तकदीर को बेहतर करना चाहते हैं, जो इस मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं। ये पहले भी होता है लेकिन क्या आपको ये इस चीज़ के बारे में इलम हुआ कि ये सब कुछ कैसे हुआ? ये पहले क्या नाम है उनको गिरफ्तार करके लेके जाया गया जो कि वीडियोज भी वायरल हुई हुई है, तो ये बाद में ऐसा क्या हुआ है कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ? देखिए जी, हमने जो देखा ना, पहले तो उसे गाड़ी में बैठाया गया है, उसकी तस्वीर भी आ गई कि गाड़ी में बैठा हुआ है। अब देखे वो एक इमरान खान का वर्कर था जो भी था, लेकिन इंसान तो था ना, फिर उसे गाड़ी से उतार के इन्होंने कत्ल किया है। ये कत्ल है, उसकी शहादत है, ये उसे शहीद किया गया और वीडियो में भी नजर आया कि ये शहीद किया गया उसे। सर क्या मुकदमा दर्ज करवा दिया? नहीं, अभी तो वो डेड